नमस्कार, आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का पाठ 2 प्रश्न बहुपद की प्रश्नावली 2.2 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 में है, देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद, देखिए एक बहुपद दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में लिखा है, देखिए बहुपद को हम px बराबर लिख लेते हैं इसको, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक ना, के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान ज्ञात करना है हमको, तो देखिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है पहले भाग में x बराबर 0, मतलब x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है हमको, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम, इसको इस बहुपद में जहाँ जहाँ हमको x दिखाई देगा हम वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, तो फिर उसके हल करने के बाद जो आंसर आएगा वही इस बहुपद का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए ये रहा बहुपद, इसमें यक्स का मान सब जो हैं 0 रखते हैं। तो देखिए यक्स का मान यहाँ 0 रख लिया, यहाँ रखा है 5 गुणे यक्स का मान 0 है, फिर 4 गुणे यक्स का मान 0 है प्लस 3, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 5 0 0 माइनस, ये जीरो है, जीरो का किसी भी संख्या में गुणा होता है तो वो संख्या जीरो हो जाती है प्लस 3, ठीक ना। मतलब कोई भी सिंग जीरो है तो सब जीरो हो जाएगा, ये जीरो माइनस जीरो जीरो हट गया तो ये हो जाएगा केवल 3 बचेगा, ठीक ना। तो x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान 3 प्राप्त हुआ। अब देखिए सेकेंड भाग में लिखा है x बराबर माइनस 1, ठीक ना। तो x बराबर माइनस 1 पर भी मान रख लेते हैं, तो हम इस बहुपद को लिख लेते हैं यहाँ पर px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक ना। अब माइनस 1 रखते हैं तो p x के स्थान पर माइनस 1 रख लिया, 5 गुणे देखिए x के स्थान पर माइनस 1 रख लिया, माइनस 4 गुणे माइनस 1 के घात 2, ठीक ना, माइनस 1 के घात 2 रख लिया, ये प्लस 3 लिखा है इसको भी लिख लिया। अब देखिए अगर हम 5 में माइनस 1 का गुणा करेंगे तो 5 एक कम 5 और 1 माइनस है तो 1 माइनस रहेगा, ठीक ना। फिर इसके बाद देखिए माइनस 4 लिखा हुआ है, अब इस माइनस 1 को घात 2 लिखा हुआ है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस 1 के घात 2 का मतलब माइनस 1 को 2 बार गुणा करिए, माइनस 1 गुणे माइनस 1, है ना। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंकों का गुणा किया जाता है, 1 एक कम 1, ठीक ना, और गुणे में माइनस देखा जाता है कितनी बार है, देखिए यहाँ 2 बार है, तो ये माइनस इस माइनस के संग कैंसिल हो जाएगा तो केवल प्लस बचेगा, तो ये हो गया 1, ठीक ना, प्लस 1 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 1, और ये प्लस 3 है तो प्लस 3 लिख लिया। अब इसको हल करेंगे, देखिए माइनस 5 लिखा हुआ है, 4 एक कम 4 प्लस 3, तो क्या करेंगे पहले माइनस वाले को हल कर लेंगे। तो देखिए अगर माइनस 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 और अंक जुड़ जाता है, ठीक ना, तो दोनों माइनस है तो एक माइनस लिख कर दोनों अंक जोड़ लीजिए, तो 5 4 9 प्लस 3। अब देखिए क्या होगा, अगर एक माइनस और एक प्लस लगा हो तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस किया जाता है, 9 में 3 गया 6। अब देखेंगे बड़ी संख्या में किसका चिन्ह लगा हुआ है, तो बड़ी संख्या 9 है उसके आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए आंसर में माइनस लगाया जाएगा। इस प्रकार पहले का दूसरा भाग भी हो गया। अब तीसरा भाग देखते हैं, तीसरे भाग में यक्स का मान 2 रखना है हमको, ठीक ना, यक्स का मान 2 रखना है, तो यक्स बराबर 2, तो हम यहाँ पर एक बहुपद जो पहले लिखा है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो लिखें पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब जहाँ हमको यक्स दिखाई देगा वहाँ हम 2 रख लेंगे, तो 2 रखते हैं यहाँ पर, देखिए यक्स 2 हो गया, 5 2 10, ये 5 और यक्स के स्थान पर 2 रख देंगे, माइनस 4 गुणे यक्स है तो यक्स के स्थान पर 2 रख देंगे, के घात 2 लगा है तो 2 लगा लिया,
प्लस तीन। तो देखिए अब इसको हल करेंगे, ठीक ना, पहले बहुपद लिखा फिर इस पर मान रखा, अब इसको हल करेंगे। तो पाँच दूनी दस माइनस चार गुणे, देखिए दो का स्क्वायर है, दो को स्क्वायर का मतलब दो को दो बार गुणा करिए, तो दो दूनी चार प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ चार लिख देते हैं और ये प्लस थ्री, तो ये हो गया दस, ये हो गया चार चौक सोलह प्लस तीन, ठीक ना। देखिए इसमें चाहे तो आप प्लस प्लस वाले को जोड़ लीजिए, या एक तरफ से करना हो तो एक तरफ से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ये 10 और 3 ये दोनों प्लस में लिखा हुआ है, तो हम इसको 10 और 3 13 लिख सकते हैं, ठीक ना, और माइनस 16 लिखा हुआ है, तो माइनस 16 लिख लिया। अब देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही है, ठीक ना, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटती है तो घटता तो 16 में ही 13 है, मगर माइनस साइन लगेगा, ठीक ना, छोटी से बड़ी घटने के कारण। तो माइनस लगा दिया और 16 में 13 गया तो 3 प्राप्त हुआ, ठीक ना। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए देखिए क्या करें, ये देखिए हमको क्या प्राप्त हुआ था, देखिए ये आया 10 माइनस 16 लिखा हुआ है, ठीक ना, तो हम चाहें तो एक तरफ से करते चलेंगे। तो देखिए 10 में से 16 गया, ठीक ना, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटेंगे तो माइनस ही आएगा, देखिए हम यहाँ माइनस लिख सकते हैं, ठीक, और 16 में ही 10 घटेगा, तो 16 में 10 गया तो 6, और ये प्लस 3 बचा तो प्लस 3 लिख लिया, ठीक ना। अब क्या किया, अब जो बचा उसको हल करेंगे, ठीक ना, यही होता है एक तरफ से हल करना, इनको हल किया फिर जो उत्तर आया फिर इसको प्लस 3 के संग हल कर रहे हैं। तो देखिए एक माइनस एक प्लस लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, तो 6 में 3 गया 3। अब देखेंगे बड़ी संख्या में किसका चिन्ह लगा हुआ है, बड़ी संख्या में माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, ठीक ना। तो चाहे आप तो इस तरह करिए चाहे इस तरह करिए, ठीक ना, इस वाले में क्या किया था, पहले प्लस प्लस वालों को प्लस कर लिया था, ठीक ना, तो 10 3 13 और ये जो बच गया माइनस 16 लिख लिया, 13 में 16 गया, छोटी से बड़ा घटाया तो माइनस का चिन्ह लगाकर 16 में ही 13 को घटाया था, ठीक। या तो क्या करिए, 10 में से पहले एक तरफ से करते चलिए, 10 में से 16 गया तो माइनस 6 आ गया, और प्लस 3 का प्लस 3 लिख लिया। अब माइनस प्लस लिखा हुआ है तो 6 में 3 गया 3, अब बड़ी संख्या में माइनस होने के कारण माइनस लगा दिया। इस प्रकार पहला भाग, पहले प्रश्न के तीनों भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 2 का देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए, ठीक ना, मतलब 3 बार मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग लिखा हुआ है PY बराबर Y स्क्वायर माइनस Y प्लस 1, ठीक ना, तो पहले हमको P0 निकालना है। देखिए निकालना क्या है, P0, P1 और P2, ठीक ना, मतलब एक बार 0 पर मान ज्ञात करना है, 1 पर और 2 पर। तो इस प्रकार ज्ञात करते हैं, पहले P0 लिखते हैं, Y का मान 0 रख लिया, तो जहाँ जहाँ Y दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ 0 रख लेते हैं, तो ये रहा Y, तो यहाँ पर 0 लगा लिया, ये रहा Y, 0 लगा लिया प्लस 1। देखिए सब 0 है, 0 है, हट गया सब, ये केवल 1 बचा, ठीक ना, तो P0 का मान 1 प्राप्त हुआ। अब P1 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ वाई दिखाई देगा वहाँ 1 रखेंगे, तो ये रहा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ठीक ना, यहाँ पे 1 रख लिया। 1 का वर्ग है तो 1 एक कम 1 ही प्राप्त होगा, माइनस 1 प्लस 1, देखिए 1 में 1 गया 0, बचा 1, तो 1 आ गया आंसर। अब P2 रखेंगे, तो P2 देखिए कितना आता है, P2 मतलब y का मान अब 2 रखना है, तो देखिए 2 रखा, माइनस 2 रखा, है ना, माइनस था ये, y का मान 2 रखा। अब देखिए 2 का वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग 4 आता है, तो 4 लिख लिया, माइनस 2 प्लस 1,
देखिए चार में दो गया, दो आया, दो लिख दिया, ये प्लस वन, तो दो और एक तीन, इस प्रकार तीन आंसर हमको प्राप्त हो गए, एक एक और तीन प्राप्त हो गया, ठीक ना। इसी का दूसरा भाग देखते हैं, दूसरा भाग का बहुपद क्या लिखा है, पी टी बराबर टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यू, ठीक ना। तो पहले जीरो पर रखेंगे, जीरो पर देखते हैं क्या मान आता है, पी जीरो बराबर, जहाँ जहाँ आपको टी दिखाई देगा वहाँ हम जीरो रख लेंगे, जीरो प्लस टू इंटू जीरो के घात दो, जीरो के घात तीन, ठीक ना। तो देखिए जीरो किसी वर्क करेंगे जीरो आएगा, जीरो गुणा टू में करेंगे, जीरो गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो जीरो ही प्राप्त होता है, तो जीरो जीरो को कितनी बार भी करिए ये जीरो ही प्राप्त होगा, ये जीरो है ये सब हट गया, है ना, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो सब जीरो, ये टू बचा अपने पास। तो इस प्रकार पी जीरो का मान टू प्राप्त हो गया। अब पी वन ज्ञात करते हैं, तो पी वन मतलब टी का मान वन रखना है, अब हमको टू प्लस टी का मान वन, टू टी का मान वन माइनस वन के घात तीन, ठीक ना। तो पहले मान रख लिया, अब इसको हल करते हैं, टू प्लस वन प्लस टू इन टू, देखिए एक का वर्ग करेंगे तो एक के आएगा, एक का कितना भी वर्ग करिए ये एक ही प्राप्त होता है, ठीक ना। तो एक की घात दो हो चाहे एक की घात तीन हो, हमको एक ही प्राप्त होगा, जैसे लिखा है एक की घात तीन का मतलब एक गुणे एक गुणे एक, यही मतलब हुआ, एक एक कम एक, एक एक कम एक, तो एक प्राप्त हुआ। इस प्रकार एक की घात कितना भी लिखा हो, चार लिखा हो, दस लिखा हो, उसका आंसर एक ही प्राप्त होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस एक। देखिए दो और एक तीन लिख लेते हैं यहाँ पर, और ये दो एक कम दो माइनस एक, देखिए तीन दो पाँच, पाँच में एक कम हुआ तो ये चार प्राप्त हो गया, ठीक ना। पी टू पे ज्ञात करते हैं, अब पी टू मतलब टी का मान टू रखना है अब हमको, तो हो गया टू प्लस टी का मान टू प्लस टू टी का मान टू और टी का मान टू रख दिया। अब इसको हल करते हैं, तो ये तो देखिए टू टू दो दो चार हो गया, देखिए ये हो जाएगा दो के घात दो मतलब दो दुनी चार और चार दुनी आठ हो गया, देखिए लिख देते हैं दो का वर्ग करेंगे तो चार आएगा, इतना तो समझ में आ गया। अब दो के घात तीन लिखा हुआ है, इसका मतलब दो को तीन बार लिख के गुणा करिए, दो गुणे दो गुणे दो, ठीक ना, तो ये हो गया दो दुनी चार, चार दुनी आठ, तो ये प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पर आठ लिख लेते हैं ऐसे। अब इसको हल करते हैं, देखिए चार दुनी आठ और ये माइनस आठ लिखा हुआ है, आठ में आठ गया तो बचा केवल चार। तो इस प्रकार दो भाग हो गया पहले प्रश्न नंबर दो के, अब प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा भाग देखते हैं। तो तीसरा भाग में है पी एक्स बराबर एक्स के घात तीन, तो इसको ज्ञात करते हैं। अब देखिए पहले पी जीरो ज्ञात करना है, तो पहले पी जीरो एक्स का मान जीरो रखिए, जीरो के घात तीन, है ना, एक्स के स्थान पर जीरो रख दिया, जीरो घात कितना भी हो जीरो ही प्राप्त होता है, तो जीरो आ गया। अब पी वन निकालते हैं, तो एक्स का मान वन रखना है यहाँ हमको, तो वन के घात तीन मतलब वन को कितना भी करिए एक प्राप्त होता है। फिर पी टू रखते हैं, तो एक्स का स्थान पर टू रख देते हैं, तो हो गया दो के घात तीन मतलब दो को तीन बार लिखिए, तो दो दुनी चार, चार दुनी आठ, तो इस प्रकार तीन मान ज्ञात हो गया, ठीक ना। तो ये हो गया जीरो वन एट, जीरो एक आठ, ये उत्तर आ गया, ठीक ना, तो ये आ गया। अब देखिए चौथा इसका अंतिम भाग है ये, तो लिखते हैं इसका क्या लिखा है, पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन एक्स प्लस
वन, ठीक ना। तो इसमें भी जीरो रखेंगे पहले, यक्स का मान जीरो रख लेते हैं, तो जाएगा पी जीरो बराबर, जहाँ भी यक्स दिखाई दे वहाँ जीरो रख लेते हैं, तो यहाँ जीरो हो गया। देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर जीरो में माइनस वन करेंगे तो ये हमको माइनस वन प्राप्त हो जाएगा, ठीक, और जीरो में प्लस वन करेंगे तो ये वन प्राप्त हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो देखिए एक एक कम एक, और एक माइनस होने के कारण एक माइनस लग जाता है, यही अगर दो माइनस होता तो ये आपस में कैंसिल हो जाता। अब P1 ज्ञात करना है हमको, ठीक ना, तो चाहे तो हम बहुपद को इसको हम यहाँ लिख भी लें, पी एक्स बराबर यक्स माइनस वन और यक्स प्लस वन लिख लिया। अब यहाँ पर हम वन रख लेते हैं तो लिखेंगे P1 ये हो जाएगा वन माइनस वन, वन प्लस वन, एक में एक गया जीरो, एक प्लस एक दो, और जीरो का दो में गुणा करेंगे तो जीरो प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार P1 पर जीरो मान प्राप्त हुआ। अब P2 ज्ञात करना है, फिर Px चाहे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, Px बराबर x माइनस एक और x प्लस वन। अब 2 रखना है तो P2 है ना, x का मान 2 रखेंगे, 2 माइनस वन और 2 प्लस वन। तो देखिए दो में एक गया एक, दो में एक जोड़ेंगे तो तीन आ जाएगा, तो मतलब दो तीन एक कम तीन। तो इस प्रकार हमको माइनस वन, शून्य और तीन, ये उत्तर प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो ये उत्तर हो गया। अब प्रश्न नंबर तीन देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर तीन में लिखा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो एक पहला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, देखिए क्या लिखा है, पी एक्स बराबर थ्री एक्स प्लस वन, ये बहुपद दिया है और इसका एक शून्यक दिया हुआ है, एक्स बराबर माइनस एक बटे तीन, ठीक ना। देखिए शून्यक नहीं है, इसको पहले इस पर मान रखेंगे, यदि इसका इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर माइनस एक बटे तीन दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, और यदि शून्यक यदि ये जीरो नहीं आता तो ये शून्यक नहीं होता है, ठीक ना। शून्यक का मतलब यही होता है कि जिस मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं, ठीक ना। तो हमको प्रत्येक स्थिति में चेक करना है। तो इसमें देखिए इस बहुपद में हम पहले x का मान माइनस एक बटे तीन रखते हैं, तो p माइनस एक बटे तीन बराबर यहाँ है तीन, x का मान माइनस एक बटे तीन रख लेते हैं, प्लस वन, ठीक ना। तो ये हो जाएगा तीन एक कम तीन, तीन एक कम तीन, तो यहाँ पर आया माइनस वन बच गया और ये प्लस वन है, तो एक में एक गया शून्य, तो देखिए इस बहुपद का मान शून्य आ गया, तो लिखेंगे अतः यक्स बराबर माइनस एक बटे तीन दिए गए बहुपद का या संगत बहुपद का शून्यक है, ठीक ना, ये शून्यक हो गया। इसी प्रकार सभी प्रश्न नंबर दो का, प्रश्न नंबर तीन का दूसरा भाग देख लेते हैं। लिखा है पी एक्स बराबर फाइव एक्स माइनस पाई, और इसमें एक्स का मान कितना दिया हुआ है रखने के लिए, चार बटे पाँच दिया हुआ है रखने के लिए, ठीक ना। देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये बहुपद है, और इसमें यक्स का मान बोला है कि ये चार बटे पाँच रख के चेक करिए कि क्या इस बहुपद का ये चार बटे पाँच शून्यक है या नहीं है, ठीक ना। तो मान रख लेते हैं यहाँ पर, देखिए P चार बटे पाँच बराबर पाँच गुणे यक्स का मान है तो चार बटे पाँच रख लेते हैं, माइनस पाई, पाँच एक कम पाँच, पाँच एक कम पाँच, तो बचा यहाँ कितना,
चार माइनस पाई। देखिए चार में पाई हल नहीं होता है, ठीक ना, तो इसका मतलब ये जीरो नहीं आया। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः यक्स बराबर चार बटे पाँच संगत बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, ठीक ना। तो ये हल हो गया। अब तीसरा भाग देखते हैं। देखिए थर्ड भाग में लिखा हुआ है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक। इसमें देखिए एक्स का दो मान रखने के लिए बोल रहा है, एक्स बराबर एक रख के देखिए, फिर एक माइनस वन रख के देखिए। तो दोनों को रख के देखते हैं। तो पहले एक्स बराबर एक पर है ना, एक्स बराबर एक रखने पर तो देखिए एक्स रख लेते हैं यहाँ पी वन, तो ये जाएगा एक का वर्ग माइनस एक, एक का वर्ग तो एक ही प्राप्त हुआ, एक माइनस एक जीरो, तो एक्स बराबर एक बहुपद का शून्यक हुआ। फिर इसको एक्स बराबर माइनस वन को भी चेक कर लेते हैं, एक्स बराबर माइनस एक रखने पर, तो ये हो गया माइनस वन रख लेते हैं, माइनस वन बराबर माइनस वन का वर्ग माइनस एक। देखिए माइनस वन का वर्ग करेंगे, माइनस वन का वर्ग का मतलब माइनस वन को दो बार लिख लिया और गुणा करेंगे तो एक एक कम एक, और दो माइनस मिलकर ये प्लस हो जाता है। इस प्रकार ये वन ही आ गया, माइनस वन, वन में वन गया शून्य। तो इस प्रकार एक्स बराबर वन और माइनस वन दोनों संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो लिखेंगे अतः एक्स बराबर एक माइनस एक संगत बहुपद के शून्यक हैं, है ना, ये दोनों हैं बहुपद शून्यक। तो इस प्रकार तीसरे का तीसरा भाग हो गया। चौथा भाग में है पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन और यक्स माइनस टू, और इसमें यक्स का मान क्या रखना है बोला है, यक्स बराबर माइनस एक रखिए फिर दो रख के चेक करना है, ठीक ना। तो पहले यक्स बराबर माइनस वन रखने पर, यक्स बराबर माइनस एक रखने पर, तो जहाँ भी यक्स है वहाँ माइनस वन रख लेते हैं। तो पी माइनस वन बराबर यहाँ रखेंगे तो माइनस वन प्लस वन माइनस वन माइनस टू, ठीक ना। तो ये हो जाएगा एक में एक गया शून्य, और माइनस 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 अंक जुड़ जाता है तो दो और एक तीन, और किसी भी संख्या में जीरो गुणा हो जाए तो ये जीरो प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार माइनस वन दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब टू को भी देख चेक कर लेते हैं, एक्स बराबर दो रखने पर, तो दो रखेंगे तो देखिए पहले लिख लेते हैं पूरा बहुपद, फिर से लिख लेते हैं, ये रहा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, तो टू रखना है अपने को तो टू रख लेते हैं, एक्स का मान टू, टू प्लस वन और टू माइनस टू। देखिए दो और एक तीन गुणे दो में दो गया शून्य, तो इसका मतलब जीरो गुणा तीन में करेंगे तो ये भी शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हो गया अतः यक्स बराबर माइनस एक एवं दो संगत बहुपद के शून्यक हैं, ठीक ना। तो ये हल हो गया। अब प्रश्न नंबर पांचवा भाग देख लेते हैं यहीं पर। पांचवा भाग
लिखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और यक्स का मान कितना रखने को बोला, शून्य रखने को बोला है। तो शून्य रखते हैं तो देखिए जीरो हो गया, तो ये जीरो घात दो मतलब ये जीरो ही हो गया, सिंपल ये है। अतः यक्स बराबर दो संगत बहुपद का शून्यक है, ठीक ना। छठवां भाग देखते हैं, देखिए लिखा है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, इसमें यक्स का मान क्या रखने के लिए है, माइनस एम बटे एल, ठीक ना। तो इसको रख के देखते हैं, जहाँ भी यक्स दिखाई दे माइनस एम बटे एल रखेंगे, पी माइनस एम बटे एल, एल गुड़े यक्स का मान रखेंगे माइनस एम बटे एन बटे एल, ठीक ना। इसको कोष्टक में डाल लेते हैं, प्लस एम, देखिए ये एल और ये एल कैंसिल हो गया, ठीक ना। तो बचा कितना, माइनस एम बचा और ये प्लस एम है, तो यम में से यम गया मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये जीरो बचेगा, ठीक ना। तो अतः यक्स बराबर माइनस एम बटे एल संगत बहुपद का शून्यक है, ठीक ना। तो ये भी हो गया, छठवां भाग हो गया। अब सातवां भाग देखते हैं, देखिए सातवां भाग में है पी एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यक्स का मान देखिए दो दिया है, एक दिया है माइनस एक बटे करनी तीन और एक दिया है दो बटे करनी तीन। एक बार यक्स बराबर एक माइनस एक बटे करनी तीन रखने पर लिख लेते हैं, यक्स बराबर माइनस एक बटे करनी तीन रखने पर, तो यहाँ रख लेते हैं, देखिए p माइनस एक बटे करनी तीन बराबर तीन गुड़े माइनस एक बटे करनी तीन का स्क्वायर माइनस एक। तो इसको हल करेंगे, देखिए कितना आएगा, देखिए माइनस वन का वर्ग कर रहे हैं यहाँ पर, पहले माइनस वन का वर्ग करेंगे तो देखिए माइनस वन का वर्ग कितना आता है, माइनस एक गुड़े माइनस एक, इसका मतलब एक एक कम एक, दो माइनस तो प्लस, इस प्रकार यहाँ पर एक आ जाएगा। और करनी तीन का वर्ग करेंगे तो करनी तीन का वर्ग करने से करनी हट जाती है, केवल तीन बचता है, फिर माइनस वन, देखिए तीन एक कम तीन, तीन एक कम तीन, तो ये आ गया एक एक कम एक, और ये माइनस वन है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, एक में एक गया शून्य प्राप्त हो गया। तो देखिए इसका ये शून्य तो निकल गया, अब दो बटे करनी तीन रख के देखते हैं, यक्स बराबर दो बटे करनी तीन रखने पर, तो इस बहुपद को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, पी एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो देखिए जहाँ भी यक्स दिखाई दे रहा है वहाँ दो बटे करनी तीन रख लेते हैं, दो बटे करनी तीन यहाँ भी है तो लिखेंगे दो बटे करनी तीन का वर्ग माइनस एक। तो देखिए दो का वर्ग करेंगे तो चार आ जाएगा, और करनी तीन का वर्ग करेंगे तो तीन आ जाएगा, ठीक ना। तीन एक कम तीन, तीन एक कम तीन, तो यहाँ बचा चार, और ये माइनस वन है तो ये माइनस वन लिख लिया, ठीक ना। चार एक माइनस वन बचा था तो चार में एक गया तीन आया, तो देखिए ये शून्य नहीं है क्योंकि इसका मान शून्य नहीं आया। तो लिखेंगे अतः यक्स बराबर माइनस एक बट्टे करनी तीन संगत बहुपद का
शून्यक है, ठीक ना। दो बटे करने तीन संगत बहुपद का शून्यक नहीं है एवं यक्स बराबर दो बटे करने तीन संगत बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक ना। तो इसका एक अंतिम भाग बचा है, यहीं पर कर लेते हैं, आठवां भाग। आठवां भाग में क्या है, पी एक्स बराबर टू एक्स प्लस वन और x का मान क्या है, एक बटे दो। तो इसको भी रख के देख लेते हैं एक बटे दो पर। तो p x का मान एक बटे दो बराबर दो गुणे एक बटे दो प्लस एक। देखिए दो एकम कट गया ये, तो बचा यहाँ एक और ये प्लस वन में है, तो एक एक तो आ गया। देखिए शून्य नहीं आया तो लिखेंगे अतः x बराबर एक बटे दो संगत बहुपद या दिए गए बहुपद, ठीक ना, बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर तीन के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर चार देखते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर चार में लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला देखते हैं, पी एक्स बराबर यक्स प्लस फाइव। देखिए कभी किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना हो तो उसको जीरो से तुलना किया जाता है। तो देखिए ये बहुपद दिया हुआ है हमको यक्स प्लस फाइव, इसको हम जीरो से तुलना कर लेते हैं। तो यक्स का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, प्लस फाइव है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस फाइव प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार शून्यक बराबर कितना आया, अतः शून्यक माइनस फाइव, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार प्रश्न नंबर देखिए दूसरा भाग है, पी एक्स बराबर यक्स माइनस फाइव। तो शून्यक ज्ञात करना है तो इसको भी जीरो से तुलना कर लेंगे, यक्स माइनस फाइव बराबर जीरो। तो माइनस फाइव को पक्षांतर करेंगे तो फाइव प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। माइनस फाइव को इधर पक्षांतर किए तो प्लस फाइव, प्लस फाइव को पक्षांतर किए तो माइनस फाइव। तो अतः शून्यक बराबर ये फाइव प्राप्त हुआ। देखिए थर्ड भी क्वेश्चन इसी तरह है, लिखा है पी एक्स बराबर टू एक्स प्लस फाइव। तो इसको जीरो से तुलना करते हैं, टू एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो। तो ये आ जाएगा टू एक्स बराबर, इस प्लस फाइव को पक्षांतर करेंगे तो माइनस फाइव, एक्स बराबर माइनस फाइव बटे टू, ये दो गुणे में है तो भाग में चला जाएगा। तो अतः शून्यक बराबर माइनस पाँच बटे दो प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो चौथा भाग देखते हैं, चौथे में लिखा है पी एक्स बराबर थ्री एक्स माइनस टू। तो इसको भी जीरो से तुलना करेंगे तो थ्री एक्स माइनस टू बराबर जीरो। तो ये हो गया माइनस टू है, पक्षांतर करेंगे प्लस टू हो गया, गुणे में है पक्षांतर करेंगे भाग में हो जाएगा, तो दो बटे तीन। तो अतः शून्यक बराबर दो बटे तीन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार पांचवा भाग देखते हैं, पांचवे में है पी एक्स बराबर थ्री एक्स, जीरो से तुलना कर लेते हैं इसको भी, थ्री एक्स बराबर शून्य। देखिए गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, जीरो बटे तीन। जीरो को बटे कुछ भी हो उसका आंसर जीरो ही प्राप्त होता है, तो एक्स बराबर जीरो लिख सकते हैं। तो अतः शून्यक क्या प्राप्त हो गया, शून्यक बराबर ये शून्य प्राप्त हो गया, ठीक ना। छठवां भाग देखते हैं, लिखा है पी एक्स बराबर ए एक्स, ठीक ना। इसमें कोई
संख्या दे रखी थी यहाँ चर के रूप, मतलब अचर पद के रूप में दे रखा है, इसको भी जीरो से तुलना कर लेते हैं। ए एक्स बराबर शून्य, तो यक्स बराबर जीरो बटे ए, मतलब यक्स बराबर जीरो है ना, जीरो को बटे कुछ भी हो जीरो ही प्राप्त होता है। तो अतः शून्य बराबर शून्य प्राप्त हो गया, ठीक ना। अब एक अंतिम बचा है सातवां, यही पकड़ लेते हैं। सातवां देखिए लिखा है, लिखा है इसमें पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी होना चाहिए, मतलब ये डी है और इसमें सी बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, वो सब कंडीशन दिया है, इसको बस जीरो से तुलना कर लेते हैं। सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो, तो देखिए सी इसको पक्षांतर करेंगे इधर तो प्लस है तो माइनस डी, एक्स बराबर माइनस डी बटे सी, तो अतः शून्य आ गया। माइनस डी बटे शून्य, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर चार के सभी भाग हो गए, ठीक ना।